रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की पेशवानी तो और उसके लिए हम तो का शुक्र अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हुस्मान में रखे, आमीन सुमामी। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए हर दिल अजीज रेसिपी लेकर आए हैं। वो कौन सी रेसिपी है? वो है जी एग फ्राइड राइस रेसिपी या एग वेजिटेबल फ्राइड राइस रेसिपी। बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। खासतौर पे मेहमान जो है अगर वो अचानक से आ जाएं तो ये आप बहुत इजीली ये बना सकते हैं और मेहमानों से खूब दावत हासिल कर सकते हैं। तो हमने एक बाउल हमने राइस लिए थे, तो ये तकरीबन 150 ग्राम हमारे पास राइस है। तो इसे हमने तेज उबलते हुए पानी में एक चम्मच ऑयल डाल के इसको बॉयल कर लिया है ताकि ये चावल जो है हमारे इस तरह अलग अलग रहेंगे जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं। तो इस तरह ये चावल जुड़ते नहीं है बॉयल करते हुए। तो इसके अलावा हमने हाफ प्याली ये जी शिमला मिर्च ली है और हाफ प्याली हमने ये कैरेट ली है, गाजर ली है, इसको इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर ली है। एक प्याली से थोड़ी सी कम बंद गोभी ली है और 3-4 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। तो अगर बेहतर तो ये है कि आप ऑयल में इसको तैयार करें। तो इस तरह क्योंकि घी में अक्सर ये ना रेसिपी जो है ये चावल जो है अक्सर चिपक जाते हैं, तो ऑयल से ये अलग अलग पड़ जाते हैं। तो इसके अलावा हमने ये एक तीखे वाली सब्ज मिर्च ली है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये ले सकते हैं, और भी सब्जियां इसमें शामिल कर सकते हैं। और 2 हमने अंडे लिए हैं और सिरका लिया है और ये सोया सॉस लिया है, चिल्ली सॉस लिया है। ये कितना कितना हमने डालना है साथ साथ आपसे शेयर करते जाएंगे। इसके अलावा हमने काली मिर्च का इसमें इस्तेमाल करना है और नमक का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। हाफ और पहले शामिल कर देंगे, कुछ बाद में शामिल करेंगे सब्जियों के लिए। अंडे को अच्छी तरह हम फेंट लेते हैं और ये हाई फ्लेम पे हमने अंडा इस तरह इसमें शामिल करना है। चलिए जी, अंडा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसको एक प्लेट में बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये तीखे वाली जो सब्ज मिर्च है ये हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही ये गाजर सबसे पहले ऐड करेंगे। गाजर क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, साथ ही ये बारीक बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी इसको थोड़ा सा इस तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें सिरका शामिल करेंगे, सोया सॉस शामिल करेंगे, चिली सॉस शामिल करेंगे साथ ही अंडे शामिल कर देंगे, साथ ही चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका जो है उसका जो टेस्ट जो है वो अंडों में भी शामिल हो जाए। और साथ ही ये हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ये ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे किसी भी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इतने ज़बरदस्त हमारे फ्राइड राइस जो हैं वो हो गए हैं रेडी। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। एक अच्छा सा कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए। आप जी क्योंकि हमने 95% इसको बॉयल किया है तो अब हल्की आंच पे इसको 5 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से फ्राइड राइस हो गए हैं जी रेडी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह।